पे देखिए जबरदस्त व्यू, यहाँ पे देखिए ये वाली स्ट्रीट लाइट देखिए, वहाँ पे सिर्फ दो लगाई गई थी और यहाँ पे देखिए लगातार लगाई गई हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा देखने में। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी छोटे मोटे पिलर्स जो है यूज़ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से बना रहे हैं और आगे ऐसे लेके जाएंगे इसको आगे आगे जहाँ पे मतलब काम किया जा रहा है। इस तरीके से जो है इसको जो है पत्थर नीचे थे उसको तोड़ा जा रहा पूरा। यहाँ पे देखिए जो रेलवे लाइन के बगल इस तरह से बॉक्स रखे जाते हैं वो सब यहाँ पे रखे हैं, सभी का यूज़ किया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में जो नया वाला रेलवे स्टेशन बनाया गया उसका जो डबल फेस का काम चल रहा था उसका कितना काम किया गया है, या फिर रेलवे स्टेशन में और क्या अपडेट किया जा रहा है जो डबल फेस का मतलब डबल लाइन का निर्माण किया गया था, और भी क्या क्या अपडेट किया गया है रेलवे स्टेशन में, पूरा अपडेट देंगे बिल्कुल लेटेस्ट और सब कुछ आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में। तो अभी हम बताते हैं कहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है रेलवे स्टेशन जो नया बनाया गया उसका प्रवेश द्वार, देखिए पूरा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और अपडेट किया गया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लगाया गया नया वाला जो स्ट्रीट लाइट लगती है जो धनुष टाइप दिखती है, प्रभु श्री राम जी का टाइप दिखता है धनुष, और वो जो है तीर बनाई गई है। तो ये लाइट एक लगाई गई, एक जो है पीछे लगाई गई है, ठीक है। और अभी हम खड़े हैं ये वाला जो मोहनी बाजार टू मोहबरा वाला रोड है ये बनाया गया इस पर खड़े हैं, और यहाँ पे ऊपर से बाईपास, और इधर से आप देखोगे तो ये रेलवे स्टेशन का पूरा काम चल रहा है। ये रेलवे लाइन का देखिए डबल फेज वाली लाइन जो है वो लगाई जा रही है, सब कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहाँ यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, उसके बाद आगे चल के आपको पूरा रेलवे स्टेशन दिखाएंगे कि वहाँ का कितना रास्ते में कितना काम चल रहा है, या फिर वहाँ पर डबल फेज वाला कितना काम किया गया वो सब दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी का यहाँ का व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर देखिए काम चला लगातार जो है वर्कर्स लगे हैं, और ये वाला आप ऊपर देख सकते हो ये हाईवे जो है इसी में ये वाला अटैच होगा यहाँ से, और आगे जाके रेलवे लाइन को जो है क्रॉस करवा देंगे, उसी के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ का अभी का व्यू देखोगे तो कंटिन्यू काम चल रहा है, देखिए ये रेलवे का पूरा ही काम है जो कि अभी जो है कंटिन्यू चल रहा है। एंड इधर का देखोगे तो इस तरीके से पूरा काम चल रहा है, देखिए जिस भी लगी हुई है कंटिन्यू काम चल रहा है, रेलवे का काम भी साथ में हो रहा है, और जो ये हाईवे नया वाला बनाया गया है इसका वाला भी जो काम है वो साथ में हो रहा है, क्योंकि जो है इस रेलवे लाइन को जो है क्रॉस कराने के लिए है इसको जो बनाया गया है। देखिए इस तरीके से अभी का काम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर दिखा दूँ तो ये देख सकते हो आप लोग कंटिन्यू काम चल रहा है इस तरीके से, यहाँ का इस तरीके से व्यू है, और यहाँ से जो है रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं, सिर्फ जो है वो बाइक वाले जा सकते हैं और सबका जो है रास्ता ब्लॉक है, ठीक है। तो ये तरीके से व्यू है, और अगर आप आ रहे हो लखनऊ से, ये वाला रोड अभी तो फाइनल नहीं हुआ ये वाला, और जब ये फाइनल हो जाएगा तो यहाँ से लखनऊ से आ रहे हैं तो ये वाला रोड आप पकड़ के डायरेक्ट रामपथ में अटैच हो सकते हो, रामपथ में जुड़ सकते हो, और वहाँ से जो है आप प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर सकते हो जन्मभूमि पथ से जाकर, ठीक है। तो अभी का इस तरीके से व्यू है यहाँ का, चलिए यहाँ से हम अंदर चलते हैं और रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू दिखाते हैं, क्या क्या उतना और काम किया जा रहा है, क्या अपडेट किया जा रहा है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने एक दो बार तीन बार इसका वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो है पत्थर उत्थर लग रहे थे, अब तो लगभग जो है लग के फाइनल भी हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्ट्रीट लाइट है अब ये लगना स्टार्ट हो चुकी है, रेलवे स्टेशन पे भी अब लग जाएगी, फुटपाथ में जो बीच बीच में जगह हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, ठीक है। और ये येलो कलर की शायद जलती है तो नाइट में बहुत ही प्यारी लगती है देखने में, ठीक है। इस तरीके से व्यू है, और यहाँ पर देखिए एक साथ पिलर्स जो है गलाया जाए, यहाँ पर मशीन खड़ी हुई है बड़ी वाली, तो यहाँ से शायद गलाया जाए, कुछ भी किया जाए और भी अपडेट, और ये सब जो है बहुत ही जल्दी निकाल दिए जाएंगे क्योंकि लगभग काम कम्प्लीट है, बस यही ऊपर जो है सात पत्थर लगेगा वही लगना बाकी है अभी भी, ठीक है। इस तरीके से अभी व्यू, और इधर का देखिए पूरा रेलवे का काम चल रहा है, यहाँ पे जाली लगी है इसको पेंट करवा रहे हैं और इसको पूरा रेडी कर रहे हैं, आगे भी काम चल रहा है उसको आपको दिखाते हैं कि डक्ट का काम कितना हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं वो सब। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो बीच में डिवाइडर बनाया जा रहा है ये मज़े का मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, देखिए उस साइड से इतना है, और बीच में अभी काम कम किया जा रहा है, बाकी आगे जब ये सब पूरा फाइनल हो जाएगा तो बीच में भी करेंगे, और जो फ्लावर्स लगेगा अदर भी कुछ भी लगाया जाएगा वो सब लगेगा। और यहाँ पे देखिए बड़ी वाली स्ट्रीट लाइट लगाई गई है बीच बीच में कहीं कहीं पर, देखिए काफ़ी बड़ी वाली है इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए जो वायर्स हैं वायर्स लाए जा रहे हैं जो है इसके अंदर पड़ रहे हैं डक्ट के अंदर, अंडरग्राउंड वायर जो पड़ते हैं मोटे मोटे इस तरीके से पड़ाया जा रहा है, और जो डबल फेस का काम चल रहा है देखिए यहाँ पर पहले रेलवे लाइन वहाँ तक थी, अब जो है इसको बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर इतना कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे, अब जो है डबल फेस की लाइन चलेगी, डबल लाइनिंग और मतलब लाइनिंग और बिछाई जाएगी ताकि जो है एक साथ में काफ़ी ज़्यादा काम हो सके, काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ चल सकें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेलवे लाइन के बगल इस तरह से बॉक्स रखे जाते हैं वो सब यहाँ पर रखे हैं, सभी का यूज़ किया जाएगा, एक एक जगह पर रखे जाएंगे सब कुछ, कंटिन्यू काम चल रहा देख ही सकते हो आप लोग, पूरा वर्कर्स लगे हैं जो कि रेलवे के विभाग के हैं,
पूरा लगे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब ये पटरियाँ हैं जो कि बिछाई जाएंगी यहाँ पर। देखिए आधा अधूरा आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ सब वो सब पूरा यहाँ पर बिछाया जाएगा। ये जो देखिए सब कुछ आई हुई है, सब यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब फिक्स कर रहे हैं एक एक करके। आपको पता होगा कि इसको फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया है ताकि जो है काम काफ़ी जल्दी भी हो जाए। और यहाँ से देखिए ये सब जो है बॉक्स ऐसे सब फिक्स किया जाएंगे, अभी इस तरह से देखिए रखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये है डबल फेस का काम जो अभी चल रहा है, काफ़ी तेज़ है और बहुत जल्दी उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त व्यू, यहाँ पे देखिए ये वाली स्ट्रीट लाइट, देखिए वहाँ पे सिर्फ दो लगाई गई थी और यहाँ पे देखिए लगातार लगाई गई हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा देखने में। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाई गई है, दूसरी तीसरी ऐसे करके लगाई गई है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है नाइट में जब ये ग्लो करती है, जलती है पूरा, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में। तो ये सब बस उस साइड का जो है रोड वो फाइनल हो जाए, बाकी लाइटिंग तो लगी गई है और इस साइड वाला रोड भी जो है बहुत जल्दी जो है लगभग फाइनल भी है इधर का, तो इधर का ही जो है फाइनल होना बाकी है। और डक्ट का भी काम अभी थोड़ा बहुत यहाँ का बचा भी है, तो बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा यार। लाइटिंग लग गई है, लाइट बहुत ही प्यारी लगती है देखने में, ठीक है। तो इस तरीके से अयोध्या का नया वाला जंक्शन वहाँ का व्यू जो डबल फेज वाला काम चल रहा है उसका। और अभी देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है, यहाँ पर देखिए पिलर्स बना रहे हैं शायद कोई कुछ भी बनाया जाए यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए काम चल रहा है, देखिए ये सब पूरा जो है डबल फेस का काम चल रहा है। और अभी तक जो था वो सिंगल फेस मतलब चल जाती थी, पूरा काम हो रहा था, अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से भी है, यहाँ पे देखिए जो है कंटिन्यू काम चल रहा। तो चलते हैं आपको थोड़ा सा वहाँ से दिखाते हैं जहाँ से काम स्टार्ट किया गया है रेलवे का, अभी आपको दिखाएंगे उधर से घूम के। और ये हमारे जो सामने आप दिख रहे हो बड़ा सा दिख रहा है, ये है रेलवे स्टेशन नया वाला। तो यहाँ से चल के आपको आगे थोड़ा सा शायद गाड़ी वाड़ी जाना बंद भी है, बाकी जैसे भी होता है चल के आपको आगे का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ का व्यू आप लोग देखिए, यहाँ पर भी जो है स्ट्रीट लाइट लग रही है, वहाँ पे देखिए एक लगी है ये वाली है, यहाँ पर भी लगी है। और आगे का देखिए काम चल रहा, इसका वीडियो मैं बहुत पहले डाला था तो आपने नहीं देखा, जाके देख सकते हो इसका जब काम स्टार्ट होता तभी मैंने इसको डाल दिया था। तो ये है दोस्तों अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है, और अभी आपको उस साइड से दिखाएंगे कैसे कैसे बनाया जा रहा। और यहाँ भी देखिए कुछ काम चल रहा है पूरा कंटिन्यू, इसका वीडियो मैंने डाला था आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से व्यू है सामने का, तो ये है दोस्तों रेलवे स्टेशन पुराना वाला है, पुराना वाला इस तरीके से है और जो नया वाला है वो इधर है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बनाया गया है। और जो इधर आप सामने रोड देखोगे ये वाला यहाँ पे सामने, तो इधर से भी आ सकते हो। ये वाला जो रोड है वो रामपाथी में अटैच है, लगभग 400-500 मीटर आपको आना पड़ेगा, तो यहाँ से आप आओगे तो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पहुँच जाओगे यहाँ से, ठीक है। अब जो है कुछ दिन में शायद इसको बंद करें या अपग्रेड करें, बाकी नया वाला तो ये बना है और बाकी ये जो है ओल्ड वाला है, ठीक है। और जो डबल फेस का काम चल रहा है इसलिए मतलब इस रेलवे स्टेशन के उस साइड से, तो चलिए आपको यहाँ से चल के ऊपर से चल के दिखाते हैं कि उधर जो है कितना काम किया गया है जो डबल फेस का काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत दूर तक दी गई है, उधर देख सकते हो बाइक के लिए अलग है, वहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हो, कार पार्क कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पे स्पेस दिया गया है जो कि सिर्फ पार्किंग के लिए है, जो कि बहुत भी बेहतर है, ठीक है। इस तरीके से है नया वाला, बहुत ही ज़्यादा इसको यार अपग्रेड किए हैं। देखिए यहाँ पर जो है सब वो राजस्थान वाले पत्थर है जो लगाए जाते हैं, यहाँ पे रखे गए हैं सब कुछ लाके। और इस तरीके से देखोगे तो सामने का व्यू है, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे उधर का क्या क्या मतलब कैसे काम किया जा रहा, उधर से ऊपर जाके उधर से दिखाएंगे। तो यह है दोस्तों ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से, देखिए इधर रेलवे लाइन और इधर जो है पार्किंग की पूरी व्यवस्था, ठीक है। इस तरीके से आगे का व्यू, तो नीचे चलेंगे वहाँ पर लास्ट वाले से और उधर दिखाएंगे, उधर जो है काम चल रहा है डबल फेस वाला, उधर आप लोग देखिए काम चल रहा है, वो चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इधर से काम चल रहा है डबल फेज वाला, इधर देखिएगा इस तरीके से यहाँ से काम चल रहा है और आगे इस तरह से लेके जा रहे हैं वहाँ पे जो है मतलब मेन काम किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सारे सामान थे उनको लागे रखा गया है। यहाँ चलते नीचे और नीचे से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा उधर का व्यू किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है डबल फेज वाला, वो सब आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर जाने का रास्ता और इसी के जो है बगल किया जा रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ से चल के नीचे से आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे काम चल रहा है। और प्लेटफॉर्म 1 और 2 उधर है, बाकी इस तरीके से भी देखें यहाँ पर जो है
काम किया जा रहा है इस तरीके से, जो है इसको जो है पत्थर नीचे थे उसको तोड़ा जा रहा पूरा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से व्यू है जो डबल फेस का काम चला। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको बना रहे हैं और वहाँ तक देखिए भी काम किया गया है लगातार। देखिए इस साइड पे उतना ही काम किया जा रहा है और उस साइड भी काम किया जा रहा है। मेन वाला देखिए रेलवे स्टेशन का व्यू कुछ इस तरीके से है और उधर भी देखिए पिलर्स मोटे मोटे लगाए जा रहे हैं, कंटिन्यू काम चला। देखिए उस तरीके से पूरा जो है वहाँ पे देखिए गेट वेट नंबर है तो वहाँ से जो है यात्री आएंगे बाहर। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं किया गया है, यात्री वहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। ये पूरा प्लेटफॉर्म शायद ही बने यहाँ पे, मतलब अपनी गाड़ी को जो है पकड़ेंगे और यहाँ से जहाँ जब जाना होगा जाएंगे। इस तरीके से भी इधर का आपको थोड़ा सा उधर से मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो है जिस भी पे जो केरन है उस पर जो है सामान लेके आ रहे हैं, कितनी मोटी मोटी यहाँ पे देखिए सरिये जो है लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो है काफ़ी टाइम तक चले, क्योंकि भाई ये काफ़ी मजबूती से बनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो किस तरीके से काम चल रहा है। देखिए वहाँ पे कई सारे जेसीबी लगी हुई हैं, आगे काम चल रहा है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से है यहाँ का व्यू अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और इधर का देखिए देखिए इस तरीके से सामान को लेके जा रहे हैं और आगे जो है काट कर उसको फिक्स करेंगे जहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से देखें सेकंड फेज का काम जो इस तरीके से चला रहा है अभी तक, और कुछ इस तरीके से है इसका व्यू, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। इधर भी काम चल रहा है और जो है इधर भी काम चल रहा है। बाकी आगे से आपको को मैंने दिखाया कि जो है नई वाली पटरियां बिछाई जा रही हैं जो कि शायद उधर भी अटैच हो, जैसा भी होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ का आप देख सकते हो काम इस तरीके से चलाया जा रहा, पूरा काम चल रहा और नया वाला रेलवे स्टेशन देखिए यहाँ तक बनाया गया है, यहाँ तक कुछ इस तरीके से बनाया गया है। बाकी पूरा कांच वाँच लगा के बिल्कुल इसमें जो व्यवस्था दिया जा रहा है वो पूरा जो है एयरपोर्ट वाली व्यवस्था पूरा है। अंदर की वीडियो मैंने नहीं डाला है, बाकी फिलहाल आप लोग कमेंट करोगे तो अंदर का पूरा डिटेल में आपको दिखा देंगे कैसे काम चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू जो ऊपर का किस तरह से काम चल रहा है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और इधर वाला देखिए फाइनल कर दिए, इतना मोटे मोटे पिलर्स जो है यूज़ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से बना रहे हैं और आगे ऐसे लेके जाएंगे इसको आगे आगे जहाँ तक मतलब ले जाना होगा इसको इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे सरिये वरिये कट करते हैं यहीं से पावर सप्लाई लेकर पूरा, और जितना जो है काम वो है यहाँ तक करते हैं पूरा। देखिए इस तरीके से है पूरा व्यू। तो ये था दोस्तों कुछ रेलवे स्टेशन का जो डबल फेज वाला काम चल रहा है उसका व्यू, मैंने आपको पूरा दिखाया कि कहाँ पे जो है पटरियाँ लगाई जा रही हैं पूरा डिटेल में, और जो है अभी तक कितना काम किया गया वो भी पूरा दिखाया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और अगर अंदर की आपको वीडियो देखना है रेलवे स्टेशन के अंदर का कैसे कैसे क्या क्या व्यू है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा डिटेल में उसको वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।